नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करछु में प्रथमे हेडलाइंस दरदाम वृद्धि प्रतिवाद आज कांग्रेस 6 घंटिया ओडिशा बंद डाकरा सकाल 7टारु दिन गोटाए जाए अखचक बंद केवल जरूरी कालीन सेवा को मंजूरी जीवन यात्रा प्रभावित हंतसंत होउछंती यात्री पुणी सेवायतों दादागिरी श्रीमंदिर सहायक को कले आक्रमण हांडिकुड़े मुंडे कले प्रहार सदर मुख्य चिकित्सालय में भर्ती हेले सहायक घटनार तदंत चलाई सिंहद्वार थाना पुलिस फेब्रुआरी 28 रे महाकाश को पठाजिबो 37 धावन सैटेलाइट उपग्रह रे श्रीमद भगवत गीता सह रहिबो प्रधानमंत्री मोदी का फोटो सूचना दिला स्पेस किड्स इंडिया आज मध्यरात्रि रु सब टोलगेट रे फास्टैग बाध्यतामूलक नथिले आदाय हबो दुगुणा टोल फी पूर्वरु जनवरी पहिला रु फास्टैग बाध्यतामूलक करथिला एनएचएआई परे डेडलाइन 1.5 मास वृद्धि करा जैथिला रायगड़ माओ आक्रमण को पूरला 13 वर्ष नक्सल गुड़ में टली पड़े 16 जन कर्मचारी आज भी भाविले थरी उठे छाती 6 स्थान में तांडव रचि माओवादी बालेश्वर सोर में अघटन बाहाघर सारी फेरवा बेले पिता कालिया कार बाइक धक्का घटनास्थल में जड़े मृत दुई गुरुतर शेषे थमुनी हाथी बड़क कलाहां कलापाठी आउ एक हाथी मृत 14 दिन में मृत्यु संख्या 6 को वृद्धि गृहपात पशु सेप्टिसीमिया रोग व्यापुवा चर्चा उच्चस्तर तदंत दाबी एथर संपूर्ण खबर आज कांग्रेस 6 घंटिया ओडिशा बंद सका 7टू दिन गोटाए पर्यंत बंद पालन पर घोषणा करेस दरदाम बेकारी समस्या वृद्धि प्रतिवाद बंद डाकरा दी सेपटे बंद को दृष्टि रखि राज्य सरकार समस्त स्कूल और कलेज छुट्टी घोषणा कर बंद समय विभिन्न जरूरी कालीन सेवा को बाद दी बंद संपूर्ण शांतिपूर्ण भाव पालन होपर बंद में रोगी गणमाम प्रतिनिधि बाहर गाड़ी डाक्तर और स्वास्थ्यकर्मी को कौन बाधा दिज्वी कहते पीसीसी सभापति आंबुलांस और गाड़ी अबाधर गढ़ दल पक्ष स्पष्ट करा गाड़ी मोटर अटकी रही विभिन्न स्थान रे यात्री हंतसंत होती आमे सकाल सात रु दिन गोटे पर्यटन बंद डाकरा डीजेल रेट बढ़ी पेट्रोल रेट बढ़ी गैस रेट बढ़ी दरदाम बढ़ी चाषी मैंने हताश बेरोजगार समर्थन डीजेल पेट्रोल गैस कम बंद भुवनेश्वर सब आड़ बंद हो गला दुकान बजार बंद है खोलुनि गाड़ी मटर बंद है आपण पेट्रोल आउ डीजल रो प्राइस रो एनालिसिस करंतु मु कहुनी आपनको आपण निजे निजे एनालिसिस करंतु सेथिरे स्टेट केते टैक्स नेउची सेंट्रल केते टैक्स नेउची सेटा आपण देखंतु मु समस्तंकु निवेदन करूची स्टेट को भी निवेदन करूची सेंट्रल गवर्नमेंट को भी निवेदन करूची जे टैक्स कमांतु टैक्स कमाइले मिडिल क्लास समस्तंकु बेनिफिट हो दरदाम वृद्धि को नहीं सारा राज्य में बंद डाकरा देखी कांग्रेस किंतु साधारण लोकों सह विभिन्न कांग्रेस कर्मी दुर्व्यवहार करुवा देखा मिली खोर्धा नगर कांग्रेस पक्ष सहर से पिकेटिंग कर दुकान बजार बंद कर जड़े व्यक्ति कौन कारणपाई अपोलो हस्पिटाल जावाक बाहर बारण कर सर्वसम्मुखें बहु जोर भोल मागतु कांग्रेस कर्मी मैंने कांग्रेस पक्षर् दि बंदर प्रभाव भद्रक में देखा मिली भद्रक बंत छक 16 नंबर जातीय राजपथ अवरोध करिसेंती कांग्रेस कर्मी जिला सभापति समेत कांग्रेस कर्मी माने गाड़ीगुड़ी अटक रखा सहर से पिकेटिंग करुछंती भद्रक में समस्त शिक्षानुष्ठान व्यावसायिक बंद रही विभिन्न सरकारी कार्यालय सम्मुखें कांग्रेस कर्मी सभा करने पिकेटिंग करुछंती फलर जानवाहन अटकी रही जहाँ यात्री हैरान हरकत होउछंती भद्रक वासुदेवपुर बंद जो साधारण लोकों यातायात में बाधा सृष्टि रास्तार उभय पाखे शह शह गाड़ी मोटर छिड़ा हो रही है विशेषकर यह बंद में बरजात्री मानक विशेष असुविधार सम्मुखीन होगा पड़ी एखे तो कल के 12टा समय बैरिए रास्ता जैम छो 4 घंटा एबंधा जानब कि बंद आ जल ना खावार
আর আমরা তো জানি না যে এখানে বন্ধ হচ্ছে বলে এই গাড়ি একটা থেকে ছটা পর্যন্ত জামপে থাকবে সেটা তো আর জানিনি পরানে না ছাড়লে বসে থাকতে হবে গাড়ি যদি না ছাড়ে বসে থাকতে হবে এই বাচ্চা কাচ্চা খাইব কি এই দোকানটা সব বন্ধ ଗଞ୍ଜାମରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ଜାରି ରହିଛି। ଖଲିକୋଟ ବ୍ଲକ ଗୁରାପଲ୍ଲୀଠାରେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଉଭୟ ପକ୍ଷରେ ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ମଟର ଅଟକି ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ତେବେ କଂଗ୍ରେସର ବନ୍ଦ ଡାକରାକୁ ନେଇ ବିଜେପିର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା। କଂଗ୍ରେସ ତାର ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁକି ମଝିରେ ମଝିରେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଭୋଟ୍ ହାର ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ କମିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦଳର ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍କନ୍ଦଳ ଅଛି ତାକୁ ତାଠୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁକି ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ଦର ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି। ୟାର ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ତେଲର ଦର ବୃଦ୍ଧି। ତେଲର ଦର ବୃଦ୍ଧି କେବଳ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେନି, ତା'ର ପରିବହନ ଏବଂ ତା'ର ବିଶୋଧନ ଉପରେ ବି ନିର୍ଭର କରେ। ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ଦାମ୍ ତ କମିଛି, କିନ୍ତୁ ପରିବହନ ଏବଂ ବିଶୋଧନ ୟା ପାଇଁକି ଯେଉଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ଇଏ କମି ନାହିଁ, ବରଂ ବଢ଼ିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ ପଇସା ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚୁଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ, ସେ ପଇସା କୌଣସି ସ୍ୱିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଉନି, କୌଣସି ପାନାମା ପେପରକୁ ଯାଉନି, ମୋଦିଙ୍କ ପକେଟକୁ ଯାଉନି, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପକେଟକୁ ଯାଉନି। ସିଏ ସେ ପଇସା ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ କାମରେ ଲାଗୁଛି। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସ୍ଥାୟୀ ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି ଦାବିରେ ଆଜି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ପାଟନା ମୁଖ୍ୟ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଆଗରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଡାକରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ପାଟନା ବଣିକ ସଂଘ, ବିକାଶ ମଞ୍ଚ, ପାଟନା ସୁରକ୍ଷା କମିଟି ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଆଉ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ 220 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସିଲ୍ କରିଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହେବା ସହ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିଛି। ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସେବାୟତଙ୍କ ଦାଦାଗିରି, ଜଣେ ସେବାୟତଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସହାୟକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ହାଣ୍ଡିକୁଡ଼ୁଆ ପ୍ରବେଶକୁ ନେଇ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା ପରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ସେବାୟତ ଜଣକ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସହାୟକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ହାଣ୍ଡିକୁଡ଼ୁଆ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସହାୟକଙ୍କୁ ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନା ପୁଲିସ୍। ଫେବୃଆରୀ 28ରେ ଶ୍ରୀହରିକୋଟାରେ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରୁ 37 ଧାୱନ ସାଟେଲାଇଟ୍ ମହାକାଶକୁ ପ୍ରେରଣ କରାଯିବ। PSLV-C51 ରକେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ମହାକାଶକୁ ପଠାଯାଇଥିବା ଏହି ନିଆରା ଉପଗ୍ରହରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଫଟୋ ଏବଂ 25,000 ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ରହିବ। ନାଁ ମଧ୍ୟରେ ହଜାରେ ଲୋକ ବିଦେଶର ବୋଲି ଏହି ମହାକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆୟୋଜକ ସ୍ପେସ୍ କିଡ୍ଜ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଛି। ଏଭଳି ଏକ ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇ ଟିମ୍ର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବାବେଳେ ସ୍ପେସ୍ କିଡ୍ଜ ଇଣ୍ଡିଆର ସଂସ୍ଥାପକ ତଥା ସିଇଓ ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀମାଥେ କିଷାନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଉପଗ୍ରହର 3ଟି ପେଲୋଡ ରହିଥିବା ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍। ରାଜ୍ୟର ଟୋଲ୍ଗେଟ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ଏହି ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବ। ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ନଥିଲେ ଗାଡ଼ିଚାଳକ ପୂର୍ବ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୁତାବକ ଦୁଇଗୁଣା ଟୋଲ୍ ଫି ଗଣିବେ। କେନ୍ଦ୍ର ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଚାରିଚକିଆ ସମେତ ଭାରିଯାନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାର ଅବଧି ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମୟସୀମାକୁ ଏକାଧିକ ଥର ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏଣିକି ଆଜି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ଟୋଲ୍ଗେଟ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବୋଲି କହିଛି କେନ୍ଦ୍ର ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। ଗାଡ଼ିରେ ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ଲଗାଇଲେ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଗଣିବାକୁ ପଡ଼ିବନି କି ଟୋଲ୍ଗେଟ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ଲାଗିଥିବା ହାଲୁକା କିମ୍ବା ଭାରିଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ଅଟକାଯାଉଥିବା ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟର ତୁରନ୍ତ ଉଠିଯିବ।
जाजपुर धर्मशाला ब्लॉक अंतर्गत नुआपटना गांव उठी स्कूल गांव में बहु पुरातन नुआपटना प्राथमिक विद्यालय हम बंद वज्रगिरी प्रकल्प प्राथमिक विद्यालय को स्थानांतर एने विभागीय निर्देश पर गांव में प्रकाश पाई उत्तेजना अभिभावक मैंने धारण में बसवास स्कूल स्थानांतर को विरोध कर स्कूल भी भांगी वो नहीं एटु रहइबो आमे पढ़ी बारी बुकी मिदी हम पढ़ी बारी उन जने स्कूल दी रहइबो आमो स्कूल आमो को फेर आइतियो आमे आमो स्कूल रे पढ़िबो बजरकिरी स्कूल को जिबा को आमो को डर लागु छी जंगल रास्ता दे आमे जिबु के मिदी एठारो स्कूल उठाउनी ए आकुल निवेदन हेउ छी जने छात्र रो नीचो गां स्कूल को स्थानांतर न करबा को सरकार को आकुल निवेदन करि छथि नीचो गां रे स्कूल रहिले सेमाने सुविधारे पाठ पढ़ुते हेले एबे स्कूल स्थानांतर हेबो जहाँ को विरोध करिछन्ति ग्रामवासी स्कूल आगरे धारणारे बसिबा सह स्कूल रे ताला पकाइले अभिभावक ग्रामवासीक द्वारा प्रतिष्ठा करा जायथिबा 1998 मसीहार विद्यालय को बंद करबा निष्पत्ति को नै ग्रामवासीक क्षुब्ध धर्मशाला प्रथम 12 स्कूल बंद करने को निष्पत्ति जिला प्रशासन किंतु परवर्ती पर्यायर 31 स्कूल बंद करने को निष्पत्ति जहाँ असंतोष बढ़िवार लगी धर्मशाला बीईओ कहते सरकार निष्पत्ति मुझे साढ़े अढ़े किलोमीटर से रास्त गाड़ी मोटर शह चलुच्छे सर के गाड़ी धक्का हे छुआ कही हेन एक दुई आम बज्र छुआ पठाई दे मुझे पहाड़ तले शिया टाणी नहीं जाए तो भी असंभवपर नुहे आम छुआ आम चाहूँ कौन आम छुआ ये पढ़तु आज आज यदि पढ़ले कल आम छुआ आम कल रात पहले देखू जे छुआ को पठाई दिखती बजर की कोतपुर छुआ को किए खाईदेव किए नहीं आम पाइबुन छुआ को आम ये धर्मशाला ब्लक से मैंने कही कि 12 स्कूल हूँ बंद हो तार से 12 स्कूल लिस्ट भी आम पाइल ता सहित यही शनिवार दिन से हटात हो पुणी आइए 31 स्कूल बंद जहाद्वारा कि व्यापक भाव में स्कूल एटा बंद करने चाहते लक्ष्य हूँ टोटल शिक्षा को संपूर्ण भाव में घरकरण व्यवसायीकरण करेंगे। अंपक्षे ग्रामर प्राय 2 किलोमीटर दूर बज्रगिरी प्रकल्प प्राथमिक विद्यालय को चली चली कष्टर नुआपाटना ग्रामटे एक पहाड़ पर्वत घेरा अंचल और निछाटिया जगार अवस्थित तेणु सेठे हिंस्र जंतु भय रही सेतिपाई ग्रामवासी और अभिभावक माने भयभीत हो पड़िछन्ते सरकार को एभली निष्पत्ति फलरे हजार हजार गरीब पिला माने सेमानकर प्राथमिक शिक्षारु वंचित हेबा सहित प्राथमिक शिक्षा संपूर्ण ध्वंस हेबो शिक्षा को संपूर्ण रूपे घरोईकरण व्यवसायीकरण करबा उद्देश्य रे सरकार स्कूल बंद निष्पत्ति ग्रहण करिछन्ते तुरंत एहि निष्पत्ति को पुनः विचार करा जाय बंद निष्पत्ति को प्रत्याहार करबा को विद्यालय सुरक्षा कमिटी और ग्रामवासी दाबी करिछन्ते धर्मशाला ब्लक जिते प्रथम आसला जे 12 स्कूल बंद होमें विभिन्न स्कूल को जाइलु भेटापी से गाँव में कौन प्रतिनिधि किंतु से बसी कथबार्ता हवा भितर विभिन्न समय विभिन्न बीओ को भेटीचु बीओ मानते आम कतरे हूँ कौन आमको दिंतु आम हाथ में किसी ना कि हाथ में सब कथा अच्छी कहीं से माने सर्वे करदे कहीं गोटे कम्प्लेन आसला मानने बीओंर प्रथम कर्तव्य हूँ सर्वे करके दवा कथा रिपोर्ट दवा कथा नोटिस आ ये तांकर 12 स्कूल बंद हबो किंतु वर्तमान 31 स्कूल आम राज्य 14,379 स्कूल बंद हाँपाई प्राथमिक विद्यालय बंद हाँपाई सरकार नोटिस देते आपणकर जितेबाला एठू काम सरी जाए भेटा से आसपर मैं जड़ेचु से कम सर तेणु बीओ को भेटा समय से नाला किसी ना आपड़ कौन आम शुणुचु पदक्षेप कौन ये तो ये पदक्षेप किसी ना पदक्षेप तो निया सरी जहाँ सरकार ना कथ नहीं सारी स्टेप स्कूल तो ऑलरेडी मर्ज हो सारी आठ पदक्षेप ना भाया समय नु तेज ग्रामवासी अनुरोध को सरकार ग्रहण करुछंती ना ग्रामवासी आंदोलन को ओल्लाउछंती देखा को बाकी रहा जाजपुर धर्मशाला आनंद महाराणा रिपोर्ट अर्गस न्यूज। भुवनेश्वर में जारी रही कोरोना टीकाकरण प्रथम पर्याय टीकाकरण को 25 तारीख पर्यंत वृद्धि करा जायछि आज ठारु आरंभ होईछि प्रथम पर्यायर द्वितीय डोज टीकाकरण जनवरी 16 तारीख में आरंभ होता प्रथम पर्याय वैक्सीनेशन प्रथम दिन में 6 टीकादान केन्द्र में टीका नहीं 612 जन स्वास्थ्यकर्मी आज ठारु आरंभ होईछि 6 केन्द्र में द्वितीय डोज टीकाकरण 612 जन को दिया प्रथम पर्यायर द्वितीय डोज टीका।
जो माने प्रथम दिन टीकाकरण होइथिले जनवरी 16, 2021 से मानकर आज द्वितीय डोज दि जाऊँ पखापाखि 1700 लोकंर आज टीकाकरण योजना अच्छी ओडिशारे आम शतकड़ा 80 उपरे आम टार्गेट अचीव करिछु। स्वास्थ्यकर्मी भितर जो 3.5 लाख स्वास्थ्यकर्मी टार्गेट रखा जाइथिला ता भितर पखापाखि 2.5 लाख उपरे स्वास्थ्यकर्मी नेले और वर्तमान सरकार स्थिर करछन्ती जो टीकाकरण को आउ 10 दिन बढ़े दवापाई फेब्रुवारी 25 जाए दवापाई से आम आशा करूचु शतकड़ा 100 टीकाकरण आम संपूर्ण करिपरिबा। आउ ता छड़ा कोविड वॉरियर जो माने कि पुलिस सानिटरी वर्कर आगधाड़ी योद्धा से माने मध्य टीका नवा 6 तारीख रु आरंभ कले और जदि सबू समुदाय नंबर देखिए टीका नवा व्यक्ति बर्तमान ओडिशा रे 4 लाख उपरे हो गले तो आम आशा करूचु आसंता दिन स्वास्थ्यकर्मी मानकर शतकड़ा 100 टार्गेट हासिल करने सह यो आगधाड़ी योद्धा एम टीकाकरण सारी मार्च 1 सुधा आम सीनियर सिटीजन 50 वर्षर ऊर्ध लोक टीकाकरण आरंभ कर। तबे वर्तमान सीआरपीएफ जवान मानंको मध्ये टीकाकरण करा जाउछि ए संपर्क रे सीधा सळक सूचना पाई आम सहित जोड़ी होइछन्ते आम प्रतिनिधि रोशन रथ जोड़ी होइछन्ते। रोशन वर्तमान रो चित्र कोन आसुछि? देखु चिन्मय आम बर्तमान अच्छु भुवनेश्वर जो सीआरपीएफ क्यांप अफिस् अच्छी आम से अच्छा आज सीआरपीएफ जवान मैंने प्रथम पर्याय टीका नौ सीआरपीएफ जानते बेसिकली जितेबाला कोरोना महामारी चलता और लॉकडाउन इम्प्लीमेंटेशन रे सीआरपीएफ गोटे बड़ रोल निभाईला स्थित में बहुत सीआरपीएफ जवान कोरोन आक्रांत होते आज जितेबाला फ्रंटलाइन वर्कर मानक कोरोना वैक्सीन दि चलती स्थित में सीआरपीएफ जवान मैंने वैक्सीन नहीं सीआरपीएफ आईजी और डीआईजी समेत बहुत सीआरपीएफ जवान अच्छा जो मैंने आज वैक्सीन नहीं सूचना दि जाऊला जे प्रथम पर्यायर आज पखापाखि 200 सीआरपीएफ जवान वैक्सीन नहीं समस्त कोवैक्सीन दि जाऊँ आज प्रथम दिन में 200 सीआरपीएफ जवान पखापाखि वैक्सीन ने अन्य सीआरपीएफ जवान को मानकू पर्यायक्रमे वैक्सीन दिजो जहाँ सूचना दूसरे किसी समय पूर्व सीआरपीएफ आईजी जे वर्तमान पर्यंत सेमती किसी क्या पाखे कौन पार्श्व प्रतिक्रिया देखा जाए ना एवं निश्चित भाव में जेहेतु सीआरपीएफ जवान मैंने गोटे लॉकडाउन समय रे हो एवं जो समय रे कोरोना महामारी सारा देश रे निश्चित भाव रे बहु लोकों जीवन नहीं एभली स्थिति रे जवान मानकर गोटे फ्रंटलाइन वर्कर हिसाब से गोटे निश्चित भाव रे बड़ रोल थिला तेणु एभली स्थिति रे निश्चित भाव रे प्रथम पर्यायर पूर्व जो मैंने सीआरपीएफ रो डॉक्टर मैंने अच्छा से मैंने वैक्सीन नहीं सारी एवं वर्तमान अन्य जो जवान माने अच्छा वैक्सीन दि जाऊँगी आम सहित डॉक्टर अच्छा प्रतिक्रिया ना मैडम आज वैक्सीन दि जाऊँगी जवान मानक केमती कौन प्रोसेस रही कितने जवान आज फर्स्ट ईयर पाखापाखि हाँ नमस्कार मु डॉक्टर जूली महांती सीएमओ सिलेक्शन ग्रेड 80 नोडल ऑफिसर जो आम कोविड वैक्सीन सेंटर अच्छी आज आम 200 लोगों को वैक्सीन दौचु और टोटल आम 800 लोक रजिस्टर्ड अच्छा तो प्रतिदिन 200 हिसाब से नेक्स्ट 4 दिन आम ये रखीचु प्रोग्राम पर्यंत जेपीबी जवान वैक्सीन नहीं किसी साइड इफेक्ट क्या पाखे देखा जाए कि केमती प्राइमरी वे दि जाऊँ किसी पूर्व किसी खावाप दि जाऊँगी कौन तर प्रोसेस कौन रही वैक्सीनेशन ये आम एज हेल्थ केयर वर्कर आम जो हॉस्पिटल स्टाफ अच्छी आम ऑलरेडी 10 तारीख को आम वैक्सीन नहीं जाइलु कैपिटल हॉस्पिटल रे तो आम हॉस्पिटल स्टाफ को कहारी किसी साइड इफेक्ट है एथरे यार प्रोसेसटा एटा होची कि प्रथमे आमे नाटा दो जोटा कि ता कोविन पोर्टल रे एनरोल हुए आउ सेटा गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा को जाए से थ्रू फिर आम पाखु को आसे से हिसाब रे कोविड डोसेज आउ सेथरे किछि साइड इफेक्ट नै आमे समस्त को प्रेरित करचो कि से माने आसो तो आगु को वैक्सीन ता नहुत सीआरपीएफ मानक प्रेरणा दबा और केते स्ट्रेंथ दबा बोली भावुं कारण जितेबाला कोरोना चलता और लॉकडाउन इम्प्लीमेंटेशन गोटे बड़ चैलेंज थिला सेतेबाला सीआरपीएफ जवान मानक रोल गोटे बड़ अमाउंट रोल आज्ञा आपण बिल्कुल ठीक कहले जमीक आप जानते जो सीआरपीएफ अच्छे यहाँ सब बिगेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स आमर बहुत बेसी ट्रैवल अच्छी से माने बहुत ड्यूटीज रे ट्रैवल करतेबाला कोविड बिल्कुल पीक फेज रे थिला आमर पूरा कैंप को भी आम लॉकडाउन कर देथिलु जेत्ती की
फैमिलीज की फोर्स पर्सनल आसुले बाहर समस्त को क्वारंटाइन रखा जाऊला तथा 14 दिन पर समस्त टेस्टिंग होता जहाँ को भी सिम्टम्स होता आम हस्पिटाल भी आम कम से कम 350 ऊपर को पेसेंट आम कोविड थे जहाँ को कि आम ट्रीट कर तो आमपाई ये बहुत बड़ गोटे चैलेंज थी आमे बहुत खुशी अच्छे कि आज समस्ते वैक्सीन नौ यहाँ आग को बहुत हेल्प कर कहीं बहुत लार्ज नंबर फोर्स पर्सनल माने बहुत फ्रीक्वेंट ट्रैवल करछंती ड्यूटीज को जाउछंती सिविल अथॉरिटी संगरे सिविलियन पॉपुलेशन संगरे माने बिल्कुल सामना एंकर होउची तो आमर इन्फेक्शन रेट चांसेस बहुत बेसी अच्छी तो मते लागुची गवर्नमेंट जो डिसीजन नहीं फ्रंटलाइन वर्कर्स को एटी वैक्सीन वैक्सीनेट करया पई एटा बहुत भलो गुटे डिसीजन आ आमे यार पूरा स्वागत करीछु। मैडम देखुले चिन्मय जहाँ डक्टर प्रतिक्रिया थिला जे जेतेबेले सीआरपीएफ गोटे बिगेस्ट पारामिलिट्री फोर्स देशर एवं जेतेबेले भी कौन से विपद आसता है एमाने देश पे ठिया होइछन् तेणु एभली स्थिति रे जेतेबेले पाखापाखी पूर्वरु 350 जवान कोरोना रे आक्रांत हो सारथिले एवं तांकु किभली भाबरे सुस्थ करा जइबो ताहा गोटे बड़ चैलेंज थिला एवं एभली स्थिति रे जेतेबेले आज प्रथम थर पई जवान माने कोवैक्सीन नौछन्ति निश्चित भाबरे समस्तक भितरे उत्साह अछि एवं एहा तांकु अधिक आउरी स्ट्रेंथ दबो बोली जहाँ सीआरपीएफ डॉक्टर को पक्षरु प्रतिक्रिया प्रकाश पाइछि। निश्चित भाबरे रोशन बहुत बहुत धन्यवाद आपनकर समस्त चित्र एवं सूचना पई। बढ़ुची टूलकिट विवाद कृषक आंदोलन को नहीं स्वीडेन जलवायु सामाजिक कर्मी ग्रेटा थनबर्ग द्वारा करा टूलकिट अन्यतम संपादिका थिला दिशा रवि एथिरे आहुरी अनेक लोकों संपर्क रही दिल्ली पुलिस रवि को मजिस्ट्रेट आगे हाजर कराई पुलिस कही मामलें यह हूँ प्रथम गिरफ्तारी फेब्रुआरी 3 तारीख में सामाजिक कर्मी रवि टूलकिट्र संपादना करते घटन अन्य व्यक्ति संपृक्त अच्छा गतका गिरफ्तार 22 वर्षीय सामाजिक कर्मी रवि को अदालत 5 दिन लगे पुलिस हाजत को पठाई टूलकिट मामलें संपृक्त आउ 2 जन संदिग्ध सांतनु और निकिता धरवा निम्ते पुलिस मुंबई एवं अन्य स्थान गुड़ी करे चढ़ाव जारी रखी। समस्त अच्छे बुलेटिन को इठ रखुछ। नमस्कार।